नमस्कार, आप सभी का वीडी टीवी भारत में स्वागत है। मुंबई की एक सड़क पर एक युवक द्वारा एक महिला यूट्यूबर से कथित तौर रूप से छेड़छाड़ करने का वीडियो बुधवार को वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि महिला दक्षिण कोरिया की नागरिक है। पुलिस ने बताया कि उन्हें इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने खुद इस घटना का संज्ञान लिया है और जाँच शुरू कर दी। वीडियो साझा करने के बाद एक ट्विटर अकाउंट पर दावा किया गया है कि पीड़ित महिला दक्षिण कोरिया की नागरिक है। रात करीब 8 बजे जब ये घटना हुई, उस समय वह उपनगरीय खार इलाके में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक महिला के काफी करीब आ गया और उसे महिला के विरोध करने पर भी उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की। जैसे ही महिला घटनास्थल से दूर जाने लगी तो वही आदमी अपने दोस्त के साथ फिर से मोटरसाइकिल पर दिखाई दिया और उसने महिला को और उसके गंतव्य तक छोड़ने की पेशकश की, जबकि महिला ने टूटी फूटी अंग्रेजी में उसकी पेशकश ठुकरा दी। पीड़ित महिला ने ट्वीट कर कहा कि कल रात लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान एक युवक ने मुझे परेशान किया। मैंने पूरी कोशिश की कि मामले को आगे ना बढ़ाऊं और निकल जाऊं, क्योंकि वह अपने दोस्त के साथ था और कुछ लोगों ने कहा कि ये मेरे बहुत फ्रेंडली होने और बातचीत शुरू करने की वजह से हुआ। इस घटना ने मुझे स्ट्रीमिंग के बारे में फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने कहा कि अभी तक किसी ने इस बारे में शिकायत नहीं की थी, लेकिन पुलिस ने खुद से इसमें संज्ञान लिया और उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर से जुड़े अपडेट के लिए वीडी टीवी भारत से जुड़े रहें। नमस्कार।